ओके पिला माने आमे प्रीवियस क्लास रे चैप्टर होची पढ़ुतले हेलोल्केन हेलोरिन ता भितर आमे होची इंट्रोडक्शन पार्ट शेष करतले नोमेनक्लेचर पढ़ितले आइसोमेरिज्म पढ़ितले तो बर्तमान आमे याही स्टडी करिबा कि एमानकर नै आइसोमेरिज्म आमे पढ़ि नथिले आमे खाली नोमेनक्लेचर पढ़ितले आ क्लासिफिकेशन पढ़ितले। अच्छा ठीक अछि आमे आइसोमेरिज्म देखि देबा। आइसोमेरिज्म देख पिला माने आइसोमेरिज्म ऑफ अल्काइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड्स आइसोमेरिज्म ऑफ अल्काइल हैलाइड्स रे ये कांसेप्ट ये होची चेन आइसोमेरिज्म फास्ट देखिबा। विशेष करके आम जो आइसोमेरिज्म कथ आसू तो विशेष कर आम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आगे फोकस करूँ तापर स्टेरियो आइसोमेरिज्म अच्छी तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म रे फास्ट देखा चेन आइसोमेरिज्म। ये चेन आइसोमेरिज्म देखेबार ना चेन आइसोमेरिज्म देखा कम से कम 4 to 5 कार्बन रहा दरकार कंपाउंड स्ट्रक्चर में मन कर जो मुझे 5 कार्बन नी सपोज ये बीआर तेल ना छुआ कौन हम सी एच टू ये कौन आस सी एच टू ये कौन आस सी एच थ्री तेल ये आसला 1 2 3 4 5 ता ना कौन आसला 1 ब्रह्मपेंटेन एन पेंटाइल ब्रोमाइड भी कोई परिबो एन स्टैंड फॉर होची स्ट्रेट चेन अच्छी स्ट्रेट अच्छी बोले आम कहे एन ये भी कही पार। अच्छा बाइपिसिन में देपर 1 ब्रह्मपेंटेन बर्तमान मु कौन कले मन कर 4 कार्बन कले आठ दे मिथाइल ग्रुप आपको आइसोपेंटेन भी दे पार प्लस आपको देख पार 1 2 3 4 3 मिथाइल 1 ब्रह्म 3 मिथाइल ब्यूटेन ये भी तुम्हें नहीं पार मु वर्तमान कौन कले ये बीआर देली ये CH3 ये CH3 ये 1 2 3 1 ब्रह्म 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन पिला नंबर कहबार कथा ये जो वर्तमान आम तीन टा स्ट्रक्चर ड्र कले तो ये पेरेन्ट चेन कार्बन के पेरेन्ट चेन कार्बन के देख 1 2 3 4 5 ये पेरेन्ट चेन के देख 1 2 3 4 ये पेरेन्ट चेन के देख 1 2 3 तो मो कहवा कथा चेन आइसोमर रे जो एक्टिव ग्रुप अच्छी फंक्शनल ग्रुप अच्छी आइडेंटिकल अच्छे पोजिशन भी फिक्स अच्छे ये 1 ये 2 3 4 ये भी 1 2 3 4 ये 1 2 3 4 5 ये 1 2 3 4 ये 1 2 3 पोजिशन भी फिक्स अच्छे भाई पोजिशन लगे आम तो नेमिंग करूँ आम 1 2 3 4 5 आम 1 2 3 4 ये 1 2 3 तो ये एक्टिव ग्रुप व फंक्शनल ग्रुप सेम भी अच्छे पोजिशन भी सेम अच्छे तो डिफरेंट कौटा ही जाए पेरेन्ट चेन डिफरेंट अच्छी नेमिंग डिफरेंट अच्छी सो आपको आम कह चेन आइसोमर्स तो आपको आम चेन आइसोमर भितर जावा तो मो कह कथा छुआ मन रख चेन आइसोमेरिज्म जो तुम्हें पढ़व चेन आइसोमर कौन कौन समान हो जाए ना समान को भितर ये आमर आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप थाए आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप दुई नंबर कथा आसला पोजिशन अफ फंक्शनल ग्रुप फिक्स्ड ये परिवर्तन हम ना डिफरेंट कौटा हम डिफरेंट हो तुम पेरेन्ट चेन डिफरेंट हो पेरेन्ट चेन टा डिफरेंट हो डी आईपीएससी नेमिंग डिफरेंट आईपीएससी नेमिंग डिफरेंट तो चेन आइसोमर मानक भितर ये होची कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट ठीक अच्छे।
आम देखा पोजिशनाल आइसोमोरिज्म पॉसिबल कि पोजिशनाल आइसोमोरिज्म पॉसिबल कि तो ये देखा सेकेंड पोजिशनाल आइसोमोरिज्म पोजिशनाल आइसोमोरिज्म पोजिशनाल आइसोमोरिज्म जो कनसेप्ट तुम अच्छी पोजिशनाल आइसोमोरिज्म जहाँ कनसेप्ट अच्छी पेरेंट चेन सेम थी फंक्शनल ग्रुप बी आइडेंटिकल किंतु फंक्शनल ग्रुप रो पोजिशन टी चेंज हो सी कौच पेरेंट चेन सेम पेरेंट चेन सेम थी आइडेंटिकल आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट पोजिशन डिफरेंट पोजिशन ऑफ फंक्शनल बट फंक्शन ग्रुप पोजिशन टा डिफरेंट होमती कथा हो देख छुआ मुझे मन करा जाए एग्जांपल सपोज ये मुझे पांचटा कार्बन नेली मुझे मन कर बीआर दे तो ये गला सी एच थ्री ये गला एच ये सी एच टू ये सी एच टू ये सी एच थ्री वन टू थ्री फोर फाइव टू ब्रह्म पेंटेन टू ब्रह्म पेंटेन एटी भी पांच कार्बन तो ये मुझे कौन कल बीआर ग्रुप लगे तो ये सी एच थ्री ये सी एच टू ये सी एच ये सी एच टू वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव ये गला थ्री ब्रह्म पेंटेन से ये हूँ ब्रह्मीन लगी ये एक दुई तीन चार पाँच ये दुई नंबर पोजिशन ये वन टू थ्री फोर फाइव तीन नंबर पोजिशन बोथ पोजिशन रे दुई नंबर तीन रे डिफरेंट आसगला पोजिशन ब्रह्मीन ये दुई तीन लगी दुई लगी तो पोजिशन डिफरेंट होगा तो पोजिशन आइसोमेरिज बहुत सिंपल कनसेप्ट खाली से कथा नुह तुम्हें जब साइक्लिक कंपाउंड कौन सी मनो सब्स्टिट्यूट साइक्लिक कंपाउंड देखेबा ना पोजिशनाल आइसोमेरिज मनो सब्स्टिट्यूट साइकिल कंपाउंड नेवर रिप्रेजेंट पोजिशनाल आइसोमेरिज्म किंतु मुझे बर्तमान कौन कली मन कर ये सी एल लगे ये सी एल लगे मुझे ड्र कली मन कर ये सी एल लगे तो ये सी एल लगे मुझे ड्र कली फर्मूलार कौन से परिवर्तन ना ये सी एल लगे ये सी एल लगे ताकि मुझे नेमिंग कौन कहि ये कहि वन थ्री डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन एटी कौन कह वन टू थ्री फोर वन फोर डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन ये वन टू ये वन टू डाइक्लोरो ये थ्री ये फोर ये फाइव ये सिक्स वन टू डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन ये ऑल आर पोजिशनाल आइसोमर कहीं समस्त पोजिशन चेंज होमें जब देखा एरोमेटिक केस रे अच्छा एरोमेटिक केस रे मुझे एरोमेटिक एरोमेटिक केस रे भी हो जदि तुम ये लगे सी एल सी एल एटी मन कर लगे सी एल सी एल एटा एरोमेटिक बेंजीन रिंग एटी मन कर लगे सी एल सी एल तो यहाँ अर्थ डाइक्लोरो बेंजीन ये अर्थ डाइक्लोरो बेंजीन ये आसला मेटा डाइक्लोरो बेंजीन ये आसला पारा डाइक्लोरो बेंजीन सो दीज आर ऑल्सो पोजिशनल आइसोमर पोजिशन चेंज है अर्थ मेटा पारा अर्थ माने वन टू पे मन रख वन टू और वन सिक्स पोजिशन को कहती एपटे वन टू एपटे वन सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एपटे गल वन टू या कहती अर्थ पोजिशन जहाँ को तुम्हें अर्थ द्वारा इंडिकेट अ द्वारा इंडिकेट कर आपको तुम्हें कौच मेटा पोजिशन जहाँ एम द्वारा तुम इंडिकेट कर वन फोर को तुम्हें कौन कौच पारा पोजिशन जहाँ पी द्वारा इंडिकेसन कर
तो आम पोजिशनाल आइसोमर जो देखो तो से सब टर्म को यूज कराइक पड़ो पोजिशन इंडिकेट कराइक पड़ो ये पोजिशनाल आइसोमर। अच्छा एम देख पारा हूँ कौन ये देखिए ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ये रिप्रेजेंट कर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो स्टीरियो आइसोमरिज्म भितर जाऊँगी इन कैटेगरी इन स्टीरियो आइसोमरिज्म। अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड एमती किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छा जो मानकर कैपेबिलिटी अच्छी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑफ अ सॉल्यूशन आइदर क्लॉकवाइज और आंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सो दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी बस से रिलेशनशिप आम कौन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तुम्हें जी व्वेन तुम्हें जो प्लेन पोलराइज लाइट जोटा मुझे इलेवेन्थ क्लास पढ़े थी प्लेन पोलराइज लाइट व्वेन प्लेन पोलराइज लाइट जहाँ आम कौन से पीपी जदि लाइटा भाइब्रेट कर वन प्लेन ताक आम कहे प्लेन पोलराइज लाइट जदि लाइटा सब प्लेन रे भाइब्रेट कला से ओन पोलराइज लाइट सूर्य को आसूँ जे लाइट इलेक्ट्रिक बल्ब रु आसूँ लाइट से सब प्लेन रे भाइब्रेट कर सब प्लेन रे भाइब्रेट कला लाइक दिस सब प्लेन रे भाइब्रेट कला ये हूँ तुम ऑन पोलराइज लाइट कि गोटे प्लेन रि भाइब्रेट कला मान ये कह प्लेन पोलराइज लाइट एटा ऑन पोलराइज लाइट ओन पोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट कन्वर्ट करिए प्रिजिम कर प्रिजिम तुम्हें जदि ओन पोलराइज लाइट को पास कर प्रिजिम दे कि प्रिजिम कन्वर्ट करदेव कौन प्लेन पोलराइज लाइट तेणु तो कहार कथा हो तो व्वेन प्लेन पोलराइज लाइट इज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इट कैन कैपेबल इफ इट रोटेट्स द पीपीएल टुवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड डी फॉर्म डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी स्टैंड फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी ये जो डी टर्मटा आसी डी स्टैंड फॉर रोटेटरी रोटेटरी एंड इफ इट रोटेट्स द पीपीएल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड then it is called L form L what is labo तो आम जदि गोटे प्लेन पोलराइज लाइट को पास करोचे सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ताले से कंपाउंडा कौन कर लाइट को रोटेट करुच्ची आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्लॉकवाइज रोटेट कले कहे डी फॉर्म डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म एवं जदि ताक सी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कला आम कहू एल फॉर्म। अच्छा बर्तमान देखा जाऊ सपोज टेक एग्जांपल ये हूँ कार्बन ये हूँ कार्बन मन कर टेक एग्जांपल्स आम देखा मन कर ये हूँ कार्बन सपोज ये हूँ हाइड्रोजन मन कर ये हूँ ब्रोमीन ये हूँ तुम सी एच थ्री ये हूँ सी टू एस फाइव है
सपोज ये मुझे मिरर रखिली मिरर रखिले कौन आस मिरर रखिले कौन आस मन कर ये कार्बन ये आस ये एच एटिक आस सी टू एच फाइव ये हला बी आर ये सी एच थ्री अच्छा मन कर जो सपोज टेके ये डी फॉर्म अच्छे ये एल फॉर्म ये दीटा जाक ये ये आर मिरर इमेज केबे सुपर इम्पोजिबल हेबे नाही पिला मु कह कथा छु देख छुआ धर जाओ मु मिरर ए हाथटा देखेली तो मिरर रे इमेज के क्रिएट हो डाणा तो ये दीटा सुपर ऑन इम्पोजिबल सुपर ऑन इम्पोजिबल सुपर इम्पोजिबल सुपर ऑन इम्पोजिबल लाइक दिस मु तुमको कहली ए ए रो मिरर इमेजटा तुम कर ये हला ए तो मिरर के देखा जीवो से सेम देखा जीवो ये ये आउ ये ये दीटा को मिसी जीवे एकाकार हो जीवे तो ये दि जन को कह जीवो सुपर इम्पोजिबल किंतु मु कहमि पी मिरर के देखा जीवो लाइक दिस तो ये मिसी बे नी तो याको कह जाए सुपर ऑन इम्पोजिबल तो ये आ ये आर मिरर इमेज ये होची सुपर ऑन इम्पोसिबल सो आम कही पार डी एंड एल आर मिरर इमेज बट सुपर ऑन इम्पॉसिबल सो दैट दैट पेयर से दी जाऊ दैट पेयर इज कॉल्ड एनान्सियमर दैट इज यू कैन से ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स ताको हम कौन कहिबा ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स अच्छा तापर देखो छुआ ये जो कंपाउंड ड्रॉ कराई ये हूँ तोर टू ब्रह्म ब्यूटेन डेट कार्बन यू कैन से काइरल कार्बन डेट कार्बन यू कैन से काइरल कार्बन काइरल और एसिमेट्रिक जदि स्ट्रक्चर रे गोटे मात्र काइरल कार्बन थाए बा एसिमेट्रिक कार्बन थाए तले से कंपाउंड सियोरली प्लेन पलज लाइट को रोटेट कर पारिबो बा से ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर पारिबो हेला कि तो नॉट पॉइंट इफ एटलिस्ट सॉरी खाली लिख दे इफ ओनली वन काइरल कार्बन इज प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड देन दैट कंपाउंड रिप्रेजेंट्स ऑप्टिकल तो जदि कंपाउंड स्ट्रक्चर एकमात्र काइरल कार्बन होची उपस्थित थाए इफ ओनली वन काइरल कार्बन इज प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ होची कंपाउंड देन दैट कंपाउंड रिप्रेजेंट सियोरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से कंपाउंड पाकर क्षमता अच्छी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन बट मोर देन वन काइरल कार्बन थिले
देखि पारे बा न देखि पारे माने मु कहिबी मु एकता कहि परिबी द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ काइरल कार्बन्स इज नोट द एसेंशियल कंडीशन कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी तेना प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ काइरल कार्बन एटम्स इज नॉट द एसेंशियल कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी जे होचे स्ट्रक्चर रे काइरल कार्बन उपस्थिति थाउ बा उपस्थिति न थाउ ताहा एसेंशियल कंडीशन नुह गोटे कंपाउंड रो ऑप्टिकल एक्टिविटी को विचार करबा पाई तले आमे गोटे कंपाउंड रो ऑप्टिकल एक्टिविटी केमती विचार करबा ना सेति पई दरकार होउ छ कोन ना प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री रो कांसेप्ट से कहउछि देखो इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री जहाँ को आम कहे POS एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री COS आर एब्सेंट इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री आर एब्सेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड द प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री यदि आर एब्सेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड यदि कंपाउंड रो स्ट्रक्चर रे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं देन दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव ताले से कंपाउंड को तुम्हें ऑप्टिकल एक्टिव कहो प्लेन ऑफ सिमेट्री के विचार कर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तुम गोटे इमेजिनरी लाइन ड्र द इमेजिनरी लाइन व्हिच कट द स्ट्रक्चर इनटू इक्वल पार्ट हैविंग सेम कंपोजिशन है हैविंग सेम कंपोजिशन एंड हूँ बोथ हूँ पार्ट्स आर मिरर इमेज टू इच अदर प्लेन ऑफ सिमेट्री ये हूँ कॉन्सेप्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री हूँ ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन व्हिच कट्स द व्हिच कट्स डिवाइड स्ट्रक्चर into equal part having same composition ekko plane of symmetry amar plane of symmetry nathiwa darkar mu jo structure draw karuthile tuma agro ye thila hoche br ye thila tumara h ye thila c3 ये थिला सी एस टू सी थ्री टू ब्रह्म ब्यूटेन तुम या कमी ड्र कर कमी कट कर कट कले कौ बाटे तुम जब ये कट कर मन कर ये कट कर ये कौन प्लेन सिमेट्री हम कि ना एपट रही मिथाइल ग्रुप ब्रोमीन ग्रुप हाइड्रोजन ये हूँ दुटाक हाइड्रोजन सी थ्री कंपोजिशन सेम हो ना तो ये न प्लेन ऑफ सिमेट्री न प्लेन ऑफ सिमेट्री ताने ऑप्टिकल एक्टिव ऑप्टिकल एक्टिव स्ट्रक्चर से ऑप्टिकल एक्टिव आपको आम ऑप्टिकल एक्टिव निश्चित भाव में कहींपर मु धर जाओ सपोज टेक एग्जांपल है कि मन करा जाओ एटी अच्छी सपोज होची बीआर एटी सपोज गोटे अच्छे मिथाइल ग्रुप एटी अच्छे मिथाइल ग्रुप
एटी अच्छी मिथाइल ग्रुप, एटी अच्छी बियर अच्छी, ये अच्छी मन कर मिथाइल ग्रुप। देख आम आपको यहाँ कौन कले सपोज एटी डिवाइड कले कौन आस प्लेन ऑफ सिमेट्री रहीगला इक्वल पार्ट हैविंग सेम कंपोजिशन से एटी प्लेन ऑफ सिमेट्री एक्जिस्ट, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट्स सो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव मन कर जाओ मु गोटे स्ट्रक्चर ड्रॉ करली मन कर जाओ एटी कौन अच्छी बीआर, एटी कौन अच्छी बीआर, एटी कौन अच्छी सीएच थ्री, एटी कौन अच्छी सीएच थ्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एक्जिस्ट और नॉट एक्जिस्ट, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं एपटे जब ड्र करपटे दुटा बीआर है मिथाइल ग्रुप हो पार ये ड्र कर यस। तो देख प्लेन ऑफ सिमेट्री एक्जिस्ट कंपोजिशन सेम होगा यस, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट मीन्स दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव मन कर जो ये स्ट्रक्चर था मन कर एटी बीआर अच्छी, एटी सीएल अच्छी, एटी मिथाइल ग्रुप अच्छी, एटी मन कर बीआर अच्छी सपोज। तो प्लेन सिमेट्री हम कि आम एपट कले एपटे बीआर सीएल एपटे मिथाइल ग्रुप एपट कले हम ना कौपट बोल प्लेन ऑफ सिमेट्री नॉट एक्जिस्ट नॉट प्रेजेंट हियर, ये ऑप्टिकली एक्टिव ये थिला तुम्हारा प्लेन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट। सेंट्रल सिमेट्री क्या कहा जाए, सेंट्रल सिमेट्री कौन, हाउ टू जज सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री सपोज ये गोटे साइक्लिक कंपाउंड एपट अच्छी मिथाइल ग्रुप, एपट अच्छी मिथाइल ग्रुप, एपटे मनकर अच्छी बीआर, एपट अच्छी मनकर बीआर। तो बर्तमान देख सेंट्रल सिमेट्री आसला तो आम एमती गोटे लाइन ड्र कर दुटा ग्रुप को जॉइंट कर देख दिस ग्रुप तो देख दिस लाइन जॉइंट दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप, दिस लाइन जॉइंट दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप इज मीटिंग पॉइंट ताको कहते सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मे बी डिफाइंड एज ए मीटिंग पॉइंट ऑफ लाइंस एंड इंडिविजुअल लाइन टचेस टू आइडेंटिकल ग्रुप प्लेस्ड डायगोनली। ये आइडेंटिकल ग्रुप को टच कर जो मैंने कि डायगोनली प्लेस होती, डायगोनली प्लेस होती मीटिंग पॉइंट सेंटर ऑफ सिमेट्री मे बी डिफाइंड एज ए मीटिंग पॉइंट ऑफ लाइन्स एंड ईच लाइन टचेस टू आइडेंटिकल ग्रुप्स प्लेस्ड एट डायगोनली। तेणु देख ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप डायगोनली प्लेस अच्छा तो गोटे लाइन ड्र कली, ये ब्रोमीन ग्रुप, ये ब्रोमीन ग्रुप ये भी डायगोनल अच्छा तो गोटे लाइन ड्र कली। तो ये लाइन मानकर मीटिंग पॉइंट को आम कौन कौचे ना सेंटर ऑफ सिमेट्री। इफ सेंटर ऑफ सिमेट्री एक्जिस्ट यस तो दैट इज हूँ ऑप्टिकली इनएक्टिव। दुटा जाक एबसेंट थी दरकार, सेंटर सिमेट्री भी नथियो प्लेन ऑफ सिमेट्री नथियो। तेणु मो कह कथा हूँ तुमको जब कौन से कंपाउंड हो ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव तो आपको विचार करने तुम पाखर हूँ कौन आसला प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री फंडा। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री बोथ आर एबसेंट देन दैट कंपाउंड यू कैन से ऑप्टिकल एक्टिव। इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट
कि सेंट्रोसिमेट्रिक प्रेजेंट कि ता भीतर जणे भी प्रेजेंट नो डाउट ऑप्टिकली इनएक्टिव ताको तुम ऑप्टिकल इनएक्टिव भाव में विचार करिवो। ये थिला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रो कांसेप्ट लकी जाको हम 11th क्लास रे कहिथिले एथरे भी रहिछ। तब रासला जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो आमे अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर केमती करि परिबा, फर्स्ट आम देखिवा फ्रॉम अल्केन, आम अल्केन रु केमती अल्काइल हैलाइड बा हेलो अल्केन को बनेबा। फ्रॉम अल्केन आम अल्केन रु बने परिबा कि फ्रॉम अल्केन, फ्रॉम अल्केन जदि अल्केन को रिएक्शन करा जिवो हेलोजिन सहित इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी ताहले तुम्हें पाइब छुआ हेलो अल्केन बा अल्काइल हैलाइड इज फॉर्मड फॉलोड बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट मेकानिज्म। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट मेकानिज्म जे कि तीनटा स्टेप देखी गति करे, इनिशिएशन, प्रोपागेशन और टर्मिनेशन स्टेप देखी जाए। हालांकि तो मु कौन कहले कि व्हेन व्हेन अल्केन रिएक्ट्स विथ कहा सहित हेलोजिन सहित, हेलोजिन X2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, तो आमे हेलो अल्केन इज फॉर्मड फॉलोड बाय फ्री रेडिकल मेकानिज्म। सो व्हेन अल्केन रिएक्ट्स विथ हेलोजिन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी हेलो अल्केन इज फॉर्म फॉलोड बाय फ्री रेडिकल मेकानिज्म। फ्री रेडिकल मेकानिज्म तीनटा स्टेप देख जाए, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। तो आम रिएक्शन लिखा मन कर जो ये हूँ अल्केन RS लिख अल्केल ग्रुप युक्त हाइड्रोजन अल्केन रिएक्शन करागला क्या हेलोजिन को इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी प्रोडक्ट ऑफ RX प्लस HX ये हूँ तुम हेलो अल्केन केमती हूँ कह हेलो अल्केन। देख यदि मेकानिज्म देखा मेकानिज्म देख फास्ट आसला इनिशिएशन स्टेप वन यहाँ इनिशिएशन कौन हुए इनिशिएशन काम है फॉर्मेशन ऑफ अटैकिंग फ्री रेडिकल अटैकिंग फ्री रेडिकल कौन आसो ये गोटे हेलोजिन ये गोटे हेलोजिन ये हेलोजिन मानकर निजस्व लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये हेलोजिन मानकर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। सो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी तो कौन हम होमोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज कैन टेक प्लेस होमोलिटिकल माने कौन ना ये जो पेयर इलेक्ट्रॉन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन बिटवीन टू हेलोजन एटम इक्वाली एटी तो दुटा इलेक्ट्रॉन अच्छी ना तो ये दुटा इलेक्ट्रॉन टा जितने भाग हम यार गोटे इलेक्ट्रॉन यार गोटे इलेक्ट्रॉन तो होमोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज को एमती इंडिकेशन करा जाए हाफ एरोमार्क द्वारा तामने हमको कौन मिलगला तो हमको मिलगला अटैकिंग फ्री रेडिकल ये तो लोन पेयर सिंबल दुई दुई चार दुई छः ये गोटे ये भी कहता आसला दुई चार छः सात सो दैट इज यू कैन से हेलोजिन फ्री रेडिकल तो एम को कह जाए अटैकिंग फ्री रेडिकल बा यू कैन से हेलोजिन फ्री रेडिकल।
तो दिस इज द स्टेप वन, स्टेप वन यू कैन से इनिशिएशन। हाँ सर, हाँ देखो सर, कंटेंट सपोर्ट कर मोबाइल आसुन। हाँ देख पठ हाँ तो स्टेप टू आसला, स्टेप टू आसला तुम्हारा प्रोपागेशन स्टेप रे कौन आसीबो फॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट फ्री रेडिकल। केमती अल्केन आर एस गोटे अटैकिंग फ्री रेडिकल आने ली कौन हम एट इच स्टेप रिक्वायर्स लाइट एनर्जी तो ये कौन से बन भांग ये हाइड्रोजन एक्स संगर बंडिंग करदे एच एक्स ये आर टा कौन आस अल्कली फ्री रेडिकल ये हो तुम प्रोपगेशन स्टेप तो ये अल्काइल फ्री रेडिकल स्टेप थ्री रे कौन आसो देख स्टेप थ्री जहाँ आम कहे टर्मिनेशन रे कौन आसो ये अल्काइल फ्री रेडिकल आ गोटे हेलोजन मॉलिक्यूल कौन कहना मलिकुलार लेवल रिएक्शन ना बहुत हेलोजन मलिकुल थे ये लन पेयर है इच इच स्टेप लाइट एनर्जी दरकार होमोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज हो गला
ये आर सांगर ए एक्स बॉन्डिंग है गला आर एक्स हला ये बर्तन है गला तो बर्तन रोयला के गुटे हेला जिन फ्री टिकला सी गला तो जोटा बाहरिला मुने आउटा कर थिला से मिसिंग एक्स टू ही जीव पुई ये सीआर है ये एक्स टू ही जीवे तो अने जहाँ को नहीं के तो मेरी रिएक्शन स्टार्ट कर थिला ये पुनी बाहरी गला टर्मिनेशन किंतु मन रख छुआ ये जो अल्कल फ्री रेडिकल पाइल एटा स्टेबल हवा दरकार स्टेबल अल्कल फ्री रेडिकल मस्ट बी एसेंशियल which is higher bond angle between H3 and H2 and why predict the magnetic behavior and stability between atom what is the wavelength emitted when the electron in a hydrogen atom undergoes transition from the energy level into calculate bond order and pronounce the Co3-2- which has a greater magnetic strength between atom and why explain about line spectrum explain the bonding structure of PCl5 and Cl4- difference between Cu and Fe and write the postulate of hybridization and Bohr setting model difference between bonding molecular orbitals and antibonding molecular हाँ सर ठीक अच्छे ठीक अच्छे ठीक अच्छे ताले ये आसला हूँ तुम्हारा कनसेप्ट तो तुमको जो पिला माने से तुमको रिएक्शन दे मेकानिजम रिएक्शन तुमको दे मन कर मिथेन सहित तुम रिएक्शन कल सी एल टू मन कर लाइट एन दिखाई से यूलिगेट सी थ्री सी एल अच्छा फर्दर जब क्लोरीनेसन करेब पुणी हूँ लाइट एनर्जी दब छे माइनास होल पुणी माइनास होल तुम आंसर कौन पाइब CH2 CO2 पुणी लाइट एनर्जी क्लोरीन दब लाइट एनर्जी प्रेजेंस रे माइनास होल तो पाइब छुआ के ये पाइब CHCl3 पुणी जदि CO2 दब लाइट एनर्जी प्रेजेंस रे तो पुणी माइनास होल यू विल गेट CCl4 ताले मिथेन सहित क्लोरीन को रिएक्शन कल मिथाइल क्लोराइड कौन देला तुम्हार हो डाइक्लोरोमिथेन आपको क्लोरोमिथेन कोई पर डाइक्लोरोमिथेन ये ट्राइक्लोरोमिथेन ये टेट्राक्लोरोमिथेन ये हूँ होगा टेट्राक्लोरोमिथेन ये आसला ट्राइक्लोरोमिथेन ये आसला डाइक्लोरोमिथेन यह आसला तुम हूँ क्लोरोमिथेन कि बड़े इंटरेस्टिंग कथा आसला जिते प्रोपेन सहित रिएक्शन कर प्रोपेन सहित रिएक्शन करा प्रोपेन प्रोपेन मन रिएक्शन कल मन कर BR2 लाइट एनर्जी प्रेजेंस रे ये दी प्रकार प्रोडक्ट आस गए मेजर गोटे माइनर कहीं सब्सट्रेट जो फ्री रेडिकल आस डिग्री आसो 2 डिग्री आस प्रोपगेशन स्टेप रे यू विल गेट टू टाइप्स ऑफ देख छ मैंने तुम्हारे तो हूँ जो तुम देख CH3 जदि यू तुम CH1 को होमोलिटिकल क्लीवेज कर जदि यू तुम कर कौन आस देख प्रोपेन प्रोपेन CH3
तो ये जदि तुम्हें कौन कर छुआ देख सपोज टेक एग्जांपल तुम ब्रोमिनेशन जो कर ब्रोमिन अटैकिंग फ्री रेडिकल को नब प्रोपगेशन स्टेप तुम्हें जो लाइट एनर्जी प्रेजेन्स ये बंद भांगल तेल एटा गोटे पाइब ये गोटे पाइब कौन आस देख एस बी आर प्लस सी एच थ्री सी एस यहाँ पाइब ना ये हूँ तुम आइसो प्रोपाइल फ्री रेडिकल आइसो प्रोपाइल फ्री रेडिकल टा के डिग्री अच्छे टू डिग्री आदि आम पी देख छुआ मुझे सी थ्री सी एच टू कली या सी एच टू करदे गोटे एच एट देखे आपको जदि मुटा कली देख दीटा पसिबल हो पार देख छुआ लाइट एनर्जी प्रेजेन्स ये भी बंद भांग तो बर्तमान देख ये गला एस बी आर तो ये केतला सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ये कौन है गला प्रोपाइल फ्री रेडिकल जी बिलंगस टू के वन डिग्री तेने प्रोपागेशन स्टेप ये तुमको प्रोपागेशन स्टेप प्रोपागेशन स्टेप रे टू टाइप्स ऑफ सब्सट्रेट फ्री रेडिकल मे बी फॉर्म्ड वन डिग्री टू डिग्री मोर मोर स्टेबल देन किए टू डिग्री टोटल मन रख छुआ स्टेबिलिटी ऑफ नॉट कौन कर दबो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स गोटे आसला हूँ तुम सब हाइस्ट आसला बेंजाइल आलाइल थ्री डिग्री टू डिग्री वन डिग्री सब बेंजाइल फ्री रेडिकल मोर स्टेबल देन आलाइल फ्री रेडिकल मोर स्टेबल देन थ्री डिग्री देन टू डिग्री देन वन डिग्री तेनाली तुम जो प्रोडक्ट तुमको पाइब तुम आराम से लिखिद गोटे टू डिग्री कार्बन पाखर गोटे बस बीआर तो आ गए वन डिग्री पाखे ताने ये जो पाइल वन ब्रह्म ये जो पाइल वन ब्रह्म कौन आसला तुम प्रोपेन जी कि तुम हिसाब से माइनर प्रोडक्ट ये आसला टू ब्रह्म प्रोपेन तुम हिसाब से मेजर आ गए नोट पॉइंट लेख रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हेलोजेन्स टुवर्ड्स फ्री रेडिकल मेकानिज्म सब अधिक होची फ्लोरीन मोर रिएक्टिव देन सीएल टू देन बीआर टू देन आई टू एफ टू बहुत द्रुत गति रिएक्शन करे वेरी फास्ट ये ताठ टिके कम ये हूँ स्लो एंड सिलेक्टिव मैंने आम तो मेकानिज्म जो स्टडी करे ब्रोमिनेस रू नहीं कि कहीं ये स्लो आउ सिलेक्टिव आई टू एक्सट्रीमली स्लो आउ रिवर्सिबल एक्सट्रीमली स्लो एंड रिवर्सिबल तो सब मेकानिज्म स्टडी करने बेस्ट हूँ ब्रोमिनेशन काउंसिल क्वेश्चन ये भी गोटे पारे काउंसिल क्वेश्चन आसी पारे कहीं प्रिपेरेशन फॉर आइडो अल्केन फ्रॉम अल्केन इज डिफिकल्ट देख छुआ जदि आम अल्केन को रिएक्शन करवा आई टू सहित आयोडीन सहित ताने ये रिवर्सिबल हो आम कौन पाइबा अल्केल आयोडाइड प्लस एच आई बट एच आई बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट व्हिच कैन रिड्यूस आइडो अल्केन टू अल्केन हालांकि एच आई बिहेव एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट व्हिच कैन रिड्यूस आइडो अल्केन टू अल्केन तेणु द एबव रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज एच आई ओ थ्री
क्या नहीं पार एच आई ओ थ्री नहीं पार तुम्हें एच एन ओ थ्री को नहीं पार तुम्हें नहीं पार हो मर्क्यूरी ऑक्साइड को नहीं पार क्या नहीं पार तो ये रिएक्शन को एच आई ओ थ्री प्रेजेन्स करार अच्छे ना खेल कौन हम ना एच आई थ्री कौन कर एच आई थ्री कैन ऑक्सीडाइज से ऑक्सीडाइज करदेव कैन ऑक्सीडाइज क्या ना एच आई टू आई टू केमती देख एच आई थ्री प्लस फाइव एच आई रिएक्शन हो सी हम थ्री एच टू ओ प्लस थ्री आई टू थ्री आई टू सो ये रिएक्शन पसिबल हो तेणु तुम जिते सहजरे प्रिपेरेसन करुच जिते सहज तुम प्रिपेयर करमें क्लोरो आल्केन हो कि ब्रोमा आल्केन हो कि सहजरे ब्रोमा आल्केन को प्रिपेरेसन करवा मच डिफिकल्ट कहीं द रिएक्शन बिटवीन हो आल्केन एंड हो आयोडीन इज रिवर्सिबल नेचर एवं एच आई हूँ गोटे स्ट्रंग रिड्यूसिंग एजेंट जी कि रिड्यूस कर आइडो आल्केन को आल्केन से रिएक्शन को कौन कराए ना गोटे स्ट्रंग ऑक्सीडेंट प्रेजेन्स निजाए जो ऑक्सीडेंट एच आई को आई टू कन्वर्ट करदेव तेनाली एच आई ओ थ्री प्लस फाइव एच आई विल गेट थ्री एच टू प्लस थ्री आई टू ये थिला तुम्हारो हेलोजिनेशन अफ हूँ आल्केन तो परवर्ती वीडियो क्लास रे हमें नेक्स्ट प्रिपेरेसन को पढ़ू क्लास को कंटिन्यू करूँ तेना ट्राए कर बुझापी।